गुड मॉर्निंग राधे राधे कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होगे स्वस्थ होगे मस्त होगे एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है आपके अपने चैनल में सो so सोगा एक न्यू दिन की शुरुआत मेरी यहाँ पे हो चुकी है सुबह सुबह का टाइम है सुबह सुबह के साढ़े पाँच है फिलहाल अभी बस चुके हैं मैं उठ चुकी हूँ और मेरे साथ ही जो मेरी लाडो रानी है मेरी मायरा रानी वो भी उठ चुकी थी और उसको बस आराम से मैं सुला के पाँच दस मिनट मेरे को ना उसको सुलाने में लगी जाती है क्योंकि वो ना मेरे साथ ही उठ जाती है तो मेरे को ना बिल्कुल आराम से ना उसके पास से उठना पड़ता है तो बस फटाफट फड़ से टाइम का मौका निकाल के मैं आ गई थी छत पे और छत पे आने के बाद बस थोड़ा सा इधर उधर टहल ली दस पंद्रह मिनट अपना मुंह हाथ धुला ब्रश वग़ैरह किया तो कभी कभार वॉक कर लेती हूँ वॉक करने का टाइम नहीं लगता तो थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ या फिर पाँच दस मिनट जो मैं अपना छत पे अपना आराम से ना खड़ी हो जाती हूँ बस प्राकृतिक अपनी जो नेचर है इसका थोड़ा सा मज़ा लेती हूँ आनंद लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह पक्षियों के चहचाने की आवाज़ आती है जो कि सुनने में ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है बस अपना थोड़ा सा अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा जैसे यहाँ पे सुबह सुबह जैसे छत पे आ जाती हूँ तो आज थोड़ा सा मैंने सोचा चलो भाई एक्सरसाइज अपना कर लेती हो तो वही मैं अपना करने में लग गई थी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अपना की और उसके बाद बस मैं आ गई थी नीचे पौने छः बजे के करीब जैसे टाइम था और मेरे को ना आज बनानी थी छोले की सब्जी जो कि मैंने रात में भिगो कर के मतलब रख दिए थे अच्छे से फूल चुके हैं तो चलिए फटाफट से इसको डाल देते हैं कुकर में और साथ में मैंने इसके साथ दो आलू है जो वो भी डाल दिए ताकि मायरा रानी के लिए मायर रानी खुश होकर खाती है आलू को तो इसके अंदर है जो मैंने नमक डाल दिया है हल्दी डाल दिया है नमक इसलिए डाला है ताकि छोले जो मेरे जल्दी से मतलब फटाफट फड़ से गल जाए तो इस वजह से और उसके बाद बस कुकर को बंद करके रख दिया है गैस पे और अभी जितना भी बाकी घर का मेरा सारा काम है वो मैं अपना कंप्लीट करूंगी इसी बीच जो मेरे छोले हैं वो अच्छे से गल जाएगी पक जाएंगे तो मतलब सब्जी बनाने में फिर हड़बड़ी नहीं होगी छोले भी इस तरीके से जो जल्दी से हमारे जो पक जाते हैं और उसके बाद है जो मेरे दिन भर की जितनी भी कड़ी मेहनत है वो मेरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है क्योंकि ये मेरी एक आदत ही है सुबह उठ के अपना झाड़ू वगैरह लगाना ये मेरी कड़ी मेहनत है मतलब सुबह 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 एक बार झाड़ू लगाती ना तो फिर मैं दिन भर के लिए फ्री हो जाती हूँ अगर गंदा होता है ना तो ऊपर ऊपर ही जैसे बच्चे खेलते खिलाना पिलाना उनको कुछ भी काम है तो फिर बच्चे अपना ऊपर ही करते तो ऊपर ऊपर से ही मतलब अधिकतर है जो गंदा होता है तो नीचे से मैं एक बार अच्छे से झाड़ू लगा के अपना पोचा वगैरह लगा के घर की जितनी साफ सफाई है अच्छे से तो यहाँ पे ना मैं चीज से कर देती हूँ एक काम खत्म होता है ना तो दूसरा काम है हमारा शुरू हो जाता है सुबह सुबह ना मतलब एक के बाद एक काम है जो हमारा ना मतलब चलता ही रहता है और आप यहाँ पे देख सकते हो मम्मी रात को ना सेविया तोड़ रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ तो ये अभी ना है, सूख रही थी मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा ना तो ये मम्मी ने फैला रखे थे तो ये आराम से सूख जाएगी तो इस वजह से मम्मी बाहर वाले रूम में अपना सो ही रही थी वरना तो अंदर वाले में ही सोती है और यहाँ पे मैं लग गई थी अपना पोछा लगाने में और यहाँ पे पहले ना मैंने बाल्टी के अंदर लाइजोल डाले तो उसके बाद मैंने पानी से इसको भरा इस वजह से ना आज इतने सारे झाग मतलब बन गए वरना ना जैसे पानी की बाल्टी में पहले भर लेती हूँ उसके बाद लाइजोल डालते हैं तो फिर इतने ज़्यादा झाग है ना तो नहीं बनते तो वैसे यहाँ पे जो मेरा झाड़ू पोछा है तो इसका काम है जो मेरा कंप्लीट हो गया है तो सुबह उठने के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ होती है जो हमारा काम है ना टाइम से हो जाता है तो 11 बारह बजे तक तो ना मैं एग्जैक्ट जो अपना फ्री हो जाती हूँ उसके बाद एक दो घंटा मैं अपने आप के लिए भी निकाल पाती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब बहुत ज़्यादा ही फायदा होता है सुबह जल्दी उठने का ज़्यादा जल्दी मैं भी नहीं उठी थी साढ़े बजे ही उठी थी और उसके बाद भी फिर मैं ना एग्जैक्ट ग्यारह बजे तक मैं अपना सारा काम है जो आप लोगों को कम्प्लीट करके दिखाऊंगी और यहाँ पर बस सारा साफ सफाई का जितना भी काम है मेरा कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद बस मैं आ गई थी ऊपर और यहाँ पे छोलों के अंदर थोड़ा सा ना मैंने पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया था इस वजह से ना ये निकल के यहाँ पे निकल गया था और अच्छे से पक गए थे आठ नौ सीटीज के अंदर आ गई थी तो फिर मैंने गैस को कर दिया था बंद और उसके बाद बस मैं चली गई थी अपना नहाने धोने के लिए और उसके बाद बस अपना नहा धो के आ गई थी तो यहाँ पे मैं भगवान जी का धन्यवाद कर रही थी तो यहाँ पे थोड़ा सा पूजा पाठ किया और उसके बाद मैंने हस्बैंड जी को उठा दिया था ताकि वो दुकान से अपना दूध ले आए मतलब तो अभी ये लेके आए थे दूध और इसी बीचे जो मैंने ना अपने प्याज टमाटर जो हरी मिर्च इनको ना बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है छोंक के लिए और साथ में दूध ले आए थे और जो चावल बनाने थे मेरे को चावल ही बनते हैं मतलब जैसे छोले और राजमा तो इनके साथ मोस्टली तो चावलों को मैंने अच्छे से धुल करके दो तीन बार इनको पानी में भिगो करके रख दिया ताकि अच्छे से फूल जाए और उसके बाद है ना मतलब पानी में भिगो देते हैं ना चावलों को फिर बनने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता और यहाँ पे छोले मैं दिखा रही थी अच्छे से गल चुके हैं बन चुके हैं तो इसको रख दिया मैंने साइड में और साथ ही साथ मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ चाय बनने के लिए हमारे लिए तो ये चीनी पत्ती है जो मैंने इसके अंदर डाल करके रख दिया है और साथ में गैस पे रख दिया है भगोना पानी का भर के ताकि थोड़ा सा निवाया पानी हो जाएगा ना गरम गरम सा तब इसके अंदर मैं चावल डालूंगी और चावल है हमारे ना फिर फटाफट से बन जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पे चाय में भी मेरा उबाल आ चुका है और चलिए इसके अंदर दूध डाल देते हैं और फटाफट से चाय हमारी बनकर तैयार हो चुकी है तो चलिए अभी आराम से बैठ के जो मैं अपना चाय पी लेती हूँ तो स्टार्टिंग से ही ना मैं सुबह की चाय ना आराम से बैठ के पीती हूँ क्योंकि काम है ना हमारे एक के बाद एक जैसे शुरू होते ही रहते हैं तो फिर काम तो पूरा दिन जैसे चलते ही रहते हैं ख़त्म भी नहीं होती तो इस वजह से सुबह की चाय मैं ना अपना आराम से बैठ के ही पीती हूँ और यहाँ पे साथ में लेके आए थे हस्बैंड जी मटर तो मैंने रख लिया है आज बिस्किट खाने का मन नहीं था तो मटर लेके आई थी और चाय भी हमारी बन चुकी है तो चलिए चलते हैं अंदर साथ में लड्डू और मायरा को भी उठाना है हालाँकि मायरा उठ चुकी है पहले ही और वो मेरा वेट कर रही थी कि मम्मा कब से आएगी मेरे पास और मैं अभी लेके आई थी ना मटर तो बच्चों को जैसे चीज़ वगैरह कुछ भी दिख जाती है ना खाने का तब तो ये खेल में लग जाते हैं अब वरना ही फिर ये मेरी गोदी में ही आती है अब तो अभी इसको ना थोड़ा सा मटर दे दी इसके पापा ने तो अभी ये खेल में लग गई और साथ में लड्डू को भी अभी उठाया था उठते ही इसको भी मटर मतलब मिल गई तो इनका तो यही है जैसे उठते ही कुछ खाने का मिल जाता है ना तो फिर इनकी नींद तो एकदम से खुल जाती है वरना तो इसको उठाती रहो तब तो उठती भी नहीं और आज है ना घर पे कल शाम को आए थे लड्डू तो वही रखे थे मैंने तो फिर ना लड्डू मट्टे आए थे शक्कर पारे आए थे मैंने तो, मैं तो बस वही ले ली थी चाय के साथ पहले मेरे को ध्यान नहीं रहे, रहे थे वो मैंने रात को भी मतलब यही खाए थे तो इस वजह से फिर मैं सुबह सुबह मतलब मट्टी थी इसमें तो वही मैं अपना खाना मेरे को पसंद है और मायर रानी बिल्कुल मासूम तरीके से अपने पापा जी के पास बैठे है क्योंकि ना अभी इसकी टांग में थोड़ा थोड़ा दर्द था इंजेक्शन की वजह से तो इस वजह से ना इतनी उदास गुमसुम होकर बैठी है वरना तो बहुत ज्यादा शैतान है उसके बाद बस हमने चाय वगैरह अपना पी ली थी और मैं आ गई थी फटाफट से किचन में और चावल थे इनके अंदर भी अच्छे से उबाल आ चुका था मतलब पक रहे थे ये भी तो इनको मैं बीच बीच में ना घुमाई रही थी और ये अच्छे से अपना पक रहे थे और गैस पे रख लिया था मैंने कढ़ाई इसके अंदर तेल डाल लिया था अभी वो फ़िलहाल गर्म हो रहा था तो हींग डाल लिया मैंने इसके अंदर थोड़ी सी और ऊपर से फिर जीरा डाल दिया था अच्छे से मतलब हींग भुन गई थी तो उसके बाद बस प्याज डाल दिए इनको थोड़ा सा हिलाऊंगी बस अच्छे से थोड़ा सा मतलब भुन जाएगा तो जो मसाले हल्दी नमक मिर्च बस यही मैं डालती हूँ थोड़ी सी सौफ़ वगैरह भी डालती हूँ देती हूँ और साथ में थोड़ी सी खटाई भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी और ये अच्छे से पक जाएगी भुन जाएगी उसके बाद जो टमाटर हरी मिर्च मैंने बारीक बारीक कट की है तो उसके बाद इसको डाल दूंगी और इसको ना पकने के लिए रख दूँगी तो बस इसी तरीके से सिंपली तरीके से ही मैं जो सब्ज़ी में तड़का लगाती हूँ यहाँ पर जो छोले थे तो उनको ना मैं थोड़ा सा फोड़ रही थी कड़छी की हेल्प से ताकि जो सब्ज़ी है मेरी घुटी घूटी तैयार हो जाए तो थोड़े से छोले हैं जो उनको मैंने कड़छी की हेल्प से ही फोड़ दिया है और यहाँ पे बस मसाला है जो मेरा ये तैयार हो चुका था बस थोड़ी सी कसर थी इसके अंदर तो अब ये मतलब भून ही रहा है गैस पे साथ में जो चावल थे वो भी अच्छे से मतलब पक गए थे रंध गए थे तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है तो इसको भी चलिए फटाफट से निकाल देती है मतलब फैट ही होता है ये एक्स्ट्रा पानी तो इसको हम निकाल देते तो इसी तरीके से है जो मैं बनाती हूँ स्टार्टिंग से ही और यहाँ पे बस मसाला है जो छोक का मतलब प्याज टमाटर अच्छे से भुन गए थे पक गए थे तो इसके बाद बस छोले हैं तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी और फटाफट से जो सब्जी है हमारे यहाँ पे तैयार हो जाएगी बस इसमें फटाफट से एक दो उबाल आ जाए तो इससे पहले मैंने लड्डू के लिए ना एक प्लेट में जो चावल निकाल के रख रखते क्योंकि अभी तो गर्म थे फिर प्लेट में ठंडे हो जाएंगे तो इस वजह से ना मैं प्लेट में निकाल के रख देती हूँ पहले इसके टिफिन में डालने से पहले ताकि कुछ भी चीज़ हो वो ठंडी करके ही मैं इसको दो फिर गर्म गर्म तो मैं इसको देती नहीं हूँ और गैस का सारा काम कम्प्लीट हो ही चुका था और बस रखा था दूध फ्रीज में मैंने इसको रख दिया था एक थैली को तो बस इसी को मैं ना अब यहाँ पे रख दूंगी गैस पर ताकि ताकि साथ साथ ही ना मतलब लगे हाथ है दूध भी अपना बॉयल हो जाए तो इस तरीके से सारा काम है जो टाइम से है जो किचन का सिमट जाता है और अभी फिलहाल बच्चे गए हुए थे नहाने के लिए अपने पापा जी के साथ तो मायरा नानी भी ऊपर ही गई हुई थी फ्रेश वगैरह करवाना नहाना धुलाना आज इनके पापा जी ने मतलब मोस्टली इनके पापा जी ही करवाते हैं तो गए हुए थे सभी बच्चे और पापा जी छत पे तो यहाँ पे बर्तन थे सिंक में तो फिर मैंने सोचा चलो भाई एक दो मिनट हैं तो इनको ना फटाफट फड़ से इन बर्तनों को भी मैं धुल देती हूँ जितने मेरे से धुलेगे सारे साथ है लड्डू ने आवाज लगा ली थी कि मम्मा मैं नहा चुका हूँ आ जाओ मुझको गोद लेने के लिए तो ये ना ऊपर से ही आवाज लगाता है तो गोदी आने के लिए तो इन दोनों बच्चों को मैं बस ले आई हूँ लड्डू को मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया है और बस फटाफट फड़ से मायरा आने को भी यहाँ पे रेडी शेडी कर देती हूँ कपड़े पहना दिए और बस इनके सिर में तेल लगाऊंगी और काजल लगाऊंगी आँखों में बस इसी तरीके से मैं ही मतलब तैयार करती हूँ दोनों बच्चे यहाँ पे नहा चुके रेडी शेडी हो गए बस ये अपना खेल लेंगे थोड़ी बहुत ही देर और इसी बीच में फटाफट से किचन में आके लड्डू के लिए टिफिन पैक करना बॉटल्स बुक उसका बैग है जो फटाफट से पैक कर देती हूँ तो सारा सामान उसका देखना भी होता है कि सारी चीज़ कम्प्लीट है या नहीं है और आज बनाए थे मैंने चावल तो चावल ठंडे हो चुके थे प्लेट में मैंने इनको पहले ही डाल के रख दिया था तो बस टिफिन में यही मैं डालूंगी और साथ ही मैंने अलग से छोले निकाले थे लड्डू के लिए तो इन इनको मैंने डाल दिया और थोड़े से सब्जी मैंने इसमें मिर्च वाली डाल दी है ताकि मिक्सअप कर दूँ मैं इसको अच्छे से उसको स्कूल में खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छे से आराम से खा ले क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना मतलब उनको मिक्स करना फिर नहीं आता स्कूल में तो मैं घर से ही ना इसको अच्छे से मिक्स करके इसको देती हूँ इसका टिफ़िन है जो ये पैक हो चुका है और ये मायर रानी रोने लग गई थी तो बस इसको गोदी आने के लिए ही रोना होता है तो यहाँ पे इसको चुप कराने के लिए बहुत सारे टंटे टंटे मेरे को करने पड़ते तब जाके मैडम है जो चुप होती है वरना ये रोती ही रहती है और यहाँ पे छोले रखे थे मैंने इसके लिए ताकि ये खा ले तो बस एक दो ही खाया था इसने खुश होकर खा तो लिया स्टार्टिंग में लेकिन बाद में इसने बिल्कुल भी नहीं खाया और तो मायरा को मैं दे के आई थी नीचे मम्मी को लड्डू भी नीचे चला गया था और उस बोला कि मेरे को भी छोले ही खाने हैं तो बस ये अपना खाए पी रहे थे और इनके बाद इनके पापा जी मतलब आए गए थे फटाफट से और यहाँ पे जो लड्डू को स्कूल गए थे छोड़ने के लिए और मायरा भी मम्मी जी के साथ खेल रही थी नीचे बाहर गली में तो इसी बीच में आ गई थी फटाफट से ऊपर और यहाँ पे मेरे को ये जो गद्दे हैं मेरे बेड के तो इनको मेरे को ना धूप में गिराना था तो मैंने सोचा चलो अभी इनका कवर भी है ना काफ़ी टाइम हो गया है इनको धुले तो इनका कवर मैं निकाल देती हूँ इनको भी कपड़े धुलूँगी ना तो साथ में ही मैं धुल दूंगी तो पहले मैं गद्दों को डाल जाती हूँ छत पर ताकि इनमें ना धूप लग जाए बस सुबह सुबह मैंने इनको रख दिया था क्योंकि आज काफ़ी तेज़ धूप थी और इतना सारा काम मैं करूँगी ना घर का तो इतना इनको अच्छे से धूप लग जाएगी और इसी बीच हस्बैंड जी भी आ चुके थे घर पर और यहाँ पर मैंने फटाफट से लगा दी है थाली चावल सब्जी प्याज बस और दे दिए इनको अभी ये फटाफट से अपना खाना वगैरह खा लेंगे और उसके बाद बस ऑफिस के लिए निकलेगी और नीचे बाहर पापा जी आए ना लड्डू को छोड़ के तो पापा जी के साथ ही मायरा रानी है ऊपर आई गई थी और अभी फिलहाल खाना खा ही रहे थे और बस मैं आ गई थी किचन में तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलो भैया अपना काम तो करना ही है और यहाँ पे बस मैं लग गई थी अपना गैस को क्लीन करने में और गैस अनाज मेरी बहुत ज़्यादा है जो मतलब गंदी हो ही गई थी मतलब छोले बनाए थे ना तो उसमें से पानी वगैरह निकला छीटे वगैरह टैल्स पर दूर तक जाते हैं तो मतलब किचन है जो आज बहुत ज़्यादा मेरा फैल सा गया था तो मेरे को ना अच्छे से किचन की सफाई करनी थी ऐसा ही होता है जैसे कुकर में सीटी आती है ना फिर वे छीटे ना बहुत ज़्यादा दूर तक जाते हैं फिर वो मतलब दाग जो बहुत ज़्यादा तब की तब साफ कर देते हैं तो ठीक है वरना फिर वो बहुत ज्यादा है ना जिद्दी हो जाते हैं गंदे गंदे भी लगते हैं फिर भी बस यहाँ पे मैं गीला कपड़ा इन पे लगा रही थी और फिर मेरे को ना एकदम से ध्यान आया क्यूँ ना मैं आज कॉलेन भी लगा देती हूँ फिर क्या है कि गीले कपड़े से साफ तो कर दिया था और कॉलिन से जैसे मैं इनको साफ़ कर रही थी ना तो किचन में ना बिल्कुल अलग सी चमक है जो आई गई थी बिल्कुल चमचमा गया था आज तो मेरा किचन तो कॉलिन से ही मैंने सारे टाइल्स को इनको साफ़ किया था और ये क्रीम कलर की है ना तो इन पर कुछ भी जैसे लग जाता ना तो फिर वो अलग सा ही लगता है फिर गंदा लगता है तो इस वजह से मैंने आज किचन की डीप क्लीनिंग है जो मैंने कर दी थी अच्छे से चलिए फटाफट से यहाँ पे सिंक को भी अच्छे से धुल देते हैं रगड़ रगड़ के तो सिंक भी है जो मतलब मेरी बर्तनों की तरह ही चमचमा जाती है तो सिंक को भी मैंने अच्छे से ही धुल दिया है यहाँ पे किचन का जो मेरा ऊपर वाला प्लेटफॉर्म प्लेट है तो ये सारा मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है तो चलिए अब बारी आती है नीचे वाले की तो नीचे वाली साइड की तरफ ये टाइल्स हैं इनको भी मैं अच्छे से जो बर्तन साफ़ करने वाला जूना है ना तो इसी से मैं इनको ना रगड़ रही हूँ साफ़ कर रही हूँ और साथ में ये कैबिनेट से नीचे दरवाजे लगे हुए तो इनको भी मैं ना एक, हा, एक हाथ है जो लगाई देती हूँ आज तो सारा किचन है आज मैंने साफ सुथरा कर दिया था और उसके बाद फिर पानी से अच्छे से धुल दिया था और मायरा रानी लगी हुई थी अभी बुक में तो ये अभी मेरे पास है ना पिक्चर दिखाने के लिए आई थी और फिर मैं बोली बेटा यहाँ से चली जा क्यों गिल्ला था पैर स्लिप हो जाएगा फिर चोट लग जाएगी फिर काफ़ी देर ही रोएगी तो इस वजह से ना फिर मैंने इसको भगा दिया था वापस ताकि फटाफट -पड़ से मैं अपना काम कर लो क्या है ना बच्चों की तरफ तो अगर फिर देखते हैं ना तो फिर गिल्ला भी है कुछ फिर पैर फिसलने का भी थोड़ा डर लगता है तो यहाँ पे बस सारी सा, सारी किचन है जो मैंने साफ सुथरा कर दिया और बस लास्ट में लगा देती हूँ एक सूखा कपड़ा और आप देख सकते हो जो मेरा किचन है बिल्कुल चमचमा गया है और मतलब मेहनत है जो रंग लेके आती है और मेरे को ना बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब मैं कुछ काम है मतलब अपनी तसली से करती हूँ मतलब मेरा दिल खुश हो जाता है कुछ भी काम करने से तो मेरे को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ चलिए फटाफट से आ जाते हैं रूम में तो जो बैठ के गद्दे है उनको तो मैं धूप में डाल करके आई थी बस अभी लगानी थी फटाफट से झाड़ू तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं पूरे घर में झाड़ू क्या है कि मतलब ऐसे सुबह तो मैंने लगाई थी लेकिन इस रूम की बारी है जो सबसे लास्ट में ही आती है क्योंकि सुबह सुबह बच्चे इसमें सोते हैं और उन, उनके उठने के बाद जो इस घर की इस कमरे की जो हालत होती है ना बस बिल्कुल पूछो मत बिल्कुल इधर उधर फैला हुआ होता है तो इसको फिर लास्ट में मेरे को ना करना ही होता है साफ और यहाँ पे फिर सारी जगह मैंने झाड़ू वगैरह लगा ही ली थी और उसके बाद बस फिर मैंने सोचा चलो भाई थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह भी कर देते हैं और आज लगे हाथ मैंने पूरे घर के जो डस्टिंग मैंने कर दिया टीवी को अलमीरा को दरवाजा था इसके ऊपर भी थोड़े थोड़े जैसे दाग लगे हुए थे तो इसको साफ करने में मेरे को काफी ज्यादा टाइम लगा था बाकी चीजें तो जैसे साफ होती रहती है तो इतनी ज्यादा गंदी नहीं थी बस अभी आ गई थी मैं यहाँ पे बाहर ड्रेसिंग को साफ करने के लिए और साथ ही साथ चलिए फटाफट से फ्रिज को भी यहाँ पे साफ कर देते हैं तो ये सारी चीजें ना मैंने कॉलिन से ही साफ की है कॉलिन से सारी चीजें साफ करने से सारी चीजें जो बिल्कुल चमचमा जाती है जैसे कि नई लेके आए हैं हम तो इतना ज्यादा मतलब फायदा होता है कॉलिन से साफ करने का और यहाँ पे सारा काम है जो मेरा कम्पलीट हो चुका था तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं पोचा और आज है ना मैंने वाइपर की हेल्प से पोछा लगाया था वरना तो मैं मतलब बैठ कर ही लगाती हूँ लेकिन कभी कभार बीच में मैं वाइपर हेल्प से भी लगा देती हूँ और आप यहाँ पे ना मेरा मतलब सारा काम है जो घर का कंप्लीट हो ही चुका था किचन को अच्छे से समेट दिया था साफ सुथरा व्यवस्थित कर दिया था और नीचे वाले नीचे वाले रूम में भी मतलब मैं पोचा वगैरह झाड़ू मेरा कंप्लीट हो ही चुका और बस अभी ऊपर वाला रूम है जो बाहर से भी अच्छे से सारा पोचा है जो मैंने लगा लिया है और सारा घर है जो मेरा साफ़ सुथरा कंप्लीट हो चुका है सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है और अभी फिलहाल मतलब टाइमिंग ग्यारह बजे बज बस गए थे और मैं बस चुपके से ना नीचे मायरा आने को देखने आई थी मतलब क्या कर रही है ये तो अभी फिलहाल ये माँ के साथ है ना मतलब बाहर लगी हुई थी खेलने में तो फिर मैं बस आ गई थी छत पे फटाफट फड़ से क्योंकि मेरे को धुलना था आज सिर तो सुबह सुबह तो मैं धुलती नहीं हूँ क्यूँकि खाना वगैरह बनाना होता है तो फिर बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है तो बच्चे ही इनको ना मतलब पकड़ लेते हैं बालों को तो जब मैं फ्री होती ना तभी मैं करती हूँ बस तो इस वजह से बस सारा काम कम्प्लीट हो ही चुका था और यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे और यहाँ पे गद्दों को मैंने फैला रखा था दोनों गद्दों को तो इनको भी अच्छे से धूप लग गई थी और दोनों तरफ से मैंने ना इनको पलटर भी दिया था जैसे मैं छत पे आई थी ना तब मैंने इसको पलट भी दिया था और ये बिल्कुल आज है ना तेज धूप थी तो अच्छे से ये जो सूख गए थे और उसके बाद बस मैं ले आई थी इनको नीचे तो चलिए फटाफट से आप बेडशीट भी बिछा देते हैं क्योंकि बस यही वाला काम है जो पेंडिंग था और अभी इस टाइम पे ना मायरा रानी है जो ज़ोर जोर से रोने लगी थी क्योंकि इसको आना था ऊपर मामा ममा करके वो रो ही रही थी और उसने ना फिर मेरी बेड शीट है ना बिल्कुल मतलब परेशान कर दिया था इसने बेड शीट बिछाने बिछाने में हाफ बिछाई थी और ये ना रोई जा रही थी तो मैं सोच रही थी भैया एक लास्ट काम है तो इसको मैं न फटाफट से कम्प्लीट कर लेती हूँ तो लेकिन ये रोहित जा रही थी इसको था सोना क्योंकि सुबह से जैसे उठी थी ना तो ये खेल रही थी अपना खा पी के अपना ये खेल ही रही थी और ग्यारह साढ़े ग्यारह बारह बजे के करीब ये सोती है सो गाइस गुड मॉर्निंग फाइनली है जो मायरा रानी मेरी सो गई है मानी तो मेरा बेटा बहुत मुश्किल से मैंने इसको सुलाया है पता है क्या है कि जैसे गोदी में ले रही थी तो सो रही थी और बेड पे लेटा रही न, तो भी थी ना तो रोहित रही थी

कर देती हूँ मैं ब्लॉग को भी एंड क्योंकि मेरे को इस वीडियो की थोड़ी सी एडिटिंग का टाइम मिल जाएगा वरना स्कूल से आ जाएगा तो फिर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा मिलेगा मतलब सारा दिन फिर वो कभी कुछ करेगा कभी कुछ शरारत करेगा अगर फिर बच्चों के आगे ज़्यादा हम फोन इस्तेमाल करते करते तो फिर बच्चे भी जिद ना बम्मा हमको दो तो इस वजह से बाद में तो मैं कुछ नहीं करने वाली सो गया तो करूंगी वरना फिर आज की वीडियो जो कल पे पोस्ट होएगी तब वो सोता है ना तभी मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ या फिर वो नीचे माजी के पास जाएगा तब जैसे टाइम लगेगा तब मैं करूंगी तो चलिए चलिए फ्रेंड्स कर देती हूँ बिलॉग को यहीं पे पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं आप लोगों से नए के साथ टेक केयर राधे राधे जय श्री कृष्णा जय श्री श्याम